हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज फिर से हमारे चैनल मैगजोन पर। और आज हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे अपना मटेरियल साइंस का पहला मॉड्यूल। और यहाँ पर मेनली हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अपने पहले चैप्टर के बारे में, जो कि हमारे RRPJEE 2019 के सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो टॉपिक्स हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे, मतलब इस ये वाला जो चैप्टर है जिसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं, लगभग हम इसे तीन से चार मॉड्यूल्स में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, फटीग, क्रीप रेजिस्टेंस। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे RRPJEE के सिलेबस में मेंशन है, और यहाँ पर हम सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने के लिए पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं थोड़े लोगों का कि वो आ जाएं, क्योंकि लाइव सेशन चल रहा है, तो आई डोंट वांट कि किसी का भी नुकसान हो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आप लोग ने वेल्डिंग अपना कंप्लीट कर लिया होगा। वेल्डिंग हम लोगों ने अपना पूरा थ्योरी कंप्लीट किया है, और MCQs भी हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं अपने RS खुरमी में से। ठीक है, फिर हम लोग ने किया है अपने SSC JEE के प्रीवियस ईयर में से। उसके बाद हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट RK JN के भी MCQs सॉल्व किए हैं। उसके बाद हमने एक और मॉडल MCQs को सॉल्व किया था, जो कि बहुत अच्छे MCQs थे। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं, और आई होप कि आप लोग चैनल को अच्छा लग रहा होगा। आप लोगों को तो सब्सक्राइब आपने कर ही रखा होगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर भी करते रहेगा दोस्तों। ऑलराइट, तो चलिए एक दो मिनट और रुक जाते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लाइव सेशन चल रहा है क्योंकि। ऑलराइट, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मटेरियल साइंस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वी टॉक अबाउट मटेरियल साइंस। ठीक है, मटेरियल साइंस, तो मटेरियल साइंस में मेन हम लोग क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे, या मेन हम लोग को क्या चीजें पढ़नी होती हैं। तो यहां पर मेनली हम लोग करते हैं डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, डिजाइन करते हैं एंड मैन्युफैक्चर करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को, और उसका डिजाइन और मैन्युफैक्चर हम लोग इस पर्पस से करेंगे कि उसकी जो फंक्शनैलिटी हो, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या हो, वो सबसे अच्छी हो, और उसकी परफॉर्मेंस भी क्या हो, बाकियों से बेहतर हो। ठीक है, तो यहां पर वी आर मेनली डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स सो दैट दे हैव अ वेरी गुड फंक्शनैलिटी एंड दे परफॉर्म बेटर। ठीक है, सो दिस परफॉर्मेंस, ये जो हमारी परफॉर्मेंस है मटेरियल्स की, ये कौन गवर्न करेगा? दिस इज मेनली गवर्न्ड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज जो है ये गवर्न करेंगी कि हमारे मटेरियल का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है, अच्छा होगा, खराब होगा, या सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक बहुत बेसिक सा ओवरव्यू कि हमारा मटेरियल साइंस किस चीज से रिलेटेड है। अब बात करते हैं थोड़ी प्रॉपर्टीज की। तो जो हमारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है नेचर में, ठीक है, हमारी प्रॉपर्टीज जो भी अवेलेबल है नेचर में, तो इट इज पॉसिबल दैट दीज प्रॉपर्टीज आर समहाउ अनडिजायरेबल। ठीक है, ये हो सकता है अनडिजायरेबल हो सकता है ये डिजायरेबल फॉर्मेट में भी हो। तो अगर डिजायरेबल फॉर्मेट में होगा तो हम लोग इस मटेरियल को डायरेक्टली यूज कर लेंगे, लेकिन अगर हमारा अनडिजायरेबल फॉर्मेट में होगा तो अनडिजायरेबल फॉर्मेट वाले को क्या करना पड़ेगा? पहले हमें उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कैसे करेंगे? देखिए, प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने का सबसे सिंपल तरीका है उसके स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कर दें, मॉडिफाई कर दें। सो बाय मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स कैन बी इजिली मॉडिफाइड। ऑलराइट, सो प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर। अब यहां पर अगर हम एक एग्जाम्पल देखें छोटा सा, इफ वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल, वी हैव बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आयरन एंड वी हैव फेस सेंटर्ड क्यूबिक आयरन। ऑलराइट, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों ही आयरन, सेम मटेरियल के अलग अलग स्ट्रक्चर अगर होंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ आर डिफरेंट। दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है यहां पर? हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी। ऑलराइट, तो
ये है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, भले ही हमारा मटेरियल सेम होगा, स्ट्रक्चर दोनों के डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो मटेरियल्स अगर आपस में सेम है लेकिन अगर उनकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, 100% हमारी डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो मटेरियल साइंस को डिफाइन करें तो मटेरियल साइंस हमारा मेनली क्या चीज स्टडी करते हैं, हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज को यहां पर हम लोग स्टडी करते हैं मटेरियल साइंस सब्जेक्ट में। ऑलराइट, कि स्ट्रक्चर हमारा प्रॉपर्टीज से किस तरीके से रिलेटेड है, प्रॉपर्टीज हमारी कैसे चेंज होंगी अगर हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे और हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई किया जाए। ठीक है, और मॉडिफाई करके डिजायरेबल फॉर्मेट में लाया जाए। ठीक है, डिजायरेबल फॉर्मेट में लाया जाएगा और ये कैसे करेंगे, बाय चेंजिंग, या चेंजिंग के लिए और एक रिफाइंड वर्ड बोल कर दे मॉडिफाइंग। ठीक है, चेंजिंग और मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर। ऑलराइट, तो स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारा मटेरियल क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय मटेरियल। ठीक है, मटेरियल क्या है और कैसे डिफर करेगा हमारे, अब देखते हैं। यहाँ पर मटेरियल सबसे पहले क्या होता है, तो मटेरियल हमारा कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट मतलब सब्सटेंस है जिसको हम लोग अपने प्रोडक्शन पर्पस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस अदर प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, तो ये हो गया यहाँ पर। अब बात करें मटेरियल और इंजीनियरिंग मटेरियल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मटेरियल में तो ये हमारा सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, ये हमारा गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। इट कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ दीज फॉर्मेट्स। ठीक है, अच्छा, जैसे हम बोल रहे थे हमें अपनी प्रॉपर्टीज को, ठीक है, हमें अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करना है, तो ये कैसे होगा, बाय चेंजिंग द स्ट्रक्चर। अच्छा, स्ट्रक्चर चेंज करने के क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ठीक है, ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस बहुत सारी हैं जिससे हमारा स्ट्रक्चर चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कास्टिंग हो गया, फॉर एग्जांपल फॉर्मिंग हो गया, फॉर एग्जाम्पल पाउडर मेटलर्जी हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हो गई। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट के बारे में भी हम लोग को मटेरियल साइंस में पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज को अपना चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स अगर आप बनाते चलेंगे तो काफी ज्यादा आपको फायदा हो जाएगा। हालांकि ये वाली स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है, स्लाइड्स मिल जाएंगी, लेकिन ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ ये उन स्लाइड्स में अवेलेबल नहीं होगा। ऑलराइट, आपको ये चीजें उन स्लाइड्स में नोट कर लेनी पड़ेंगी। ये हो गया, तो मटेरियल जो है हमारा ये हो गया, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो हमारा लिक्विड भी हो सकता है, वो गैसियस भी हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में वो अवेलेबल हो सकता है। ऑलराइट, लेकिन अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मटेरियल की, अगर हम बात करें यहाँ पर इंजीनियरिंग मटेरियल की, तो इंजीनियरिंग मटेरियल वो है, ठीक है, देखते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इंजीनियरिंग मटेरियल हमारा वो मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टीज को हमने मॉडिफाई किया है अपने नीड के अकॉर्डिंग। The properties have been modified according to our use. Properties have been modified according to our use. According to our use. ठीक है, हमने अपने use के according उस उनकी प्रॉपर्टीज क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया, इसलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया, इंजीनियरिंग मटेरियल। क्योंकि हम यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज मॉडिफाई करेंगे तो फाइनल जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा या फाइनल जो हमें मटेरियल मिलेगा उसे हम लोग अपने इंजीनियरिंग पर्पसेस में यूज कर लेंगे। ठीक है, और इस मटेरियल की मतलब इंजीनियरिंग मटेरियल की एक डिजायर्ड फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है, इट विल हैव डिजायर्ड फंक्शनैलिटी एंड इट विल ऑल्सो हैव डिजायर्ड परफॉर्मेंस। ये हमें एक डिजायर्ड परफॉर्मेंस भी देगा क्योंकि हम लोगों ने इसे अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या कर लिया है, मॉडिफाई कर रखा है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करें कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है, ये आपका एक तरीके से बोला जाए तो प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ तभी इवैल्यूएट हो सकती है
इवैल्यूएटेड ओनली व्हेन वी अप्लाई या वी अप्लाई एक्सटर्नल स्टिम्यूलाई, एक्सटर्नल स्टिम्यूलाई, एक्सटर्नल स्टिम्यूलाई मतलब एक्सटर्नली जब तक हम मटेरियल पर कोई एक स्टिमुलस नहीं देंगे हमें नहीं पता चलेगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, आपने हीट कर दिया मटेरियल को, फोर्स लगा दिया, ठीक है, या फिर प्रेशर लगा दिया, ये हो गया। और क्या क्या हो सकता है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। और क्या पॉसिबिलिटी है, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। तो यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं जिन्हें देखकर हम ये बता सकते हैं कि हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, या अपने मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को मेनली हम लोग क्वांटिटेटिवली इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ अप्लाइंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ऑलराइट, हम लोग एक्सटर्नल स्टिमुलाई ये चीज़ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे हम लोग देखते हैं लोड वर्सेज इलोंगेशन कर्व देखते हैं ना, लोड वर्सेज इलोंगेशन कर्व। तो लोड वर्सेस इलोंगेशन कर्व में मेनली क्या होता है, हम लोग लोड लगाते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या इलोंगेशन हुआ वो हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो ये एक तरीके की प्रॉपर्टी का ही क्वांटिटेटिव एनालिसिस है कि लोड लगाने से हमारे मटेरियल में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, कैसे उसमें इलोंगेशन हो रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो साफ आ रहा है तो एक बार आप थम्स अप का साइन दिखाकर मुझे बता दें, ताकि अगर कुछ भी मतलब दिक्कत होती है तो मैं उसे रेक्टिफाई बीच में ही कर देता हूँ, ठीक है, कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा एक बहुत बेसिक सा ओवरव्यू कि मटेरियल साइंस में हम पढ़ते क्या हैं एक्चुअली, ठीक है। अब आते हैं देखिए मेन मुद्दे पर, अब मटेरियल स्ट्रक्चर की बात करें। हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में मेनली डिस्कस कर रहे हैं, और हमने देखा कि अगर हम स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर दें तो हमारे मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और हमने ये भी देखा कि सेम टाइप का मटेरियल अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर पोजेस कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज 100% क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। तो वैसे तो स्ट्रक्चर को मेनली तीन लेवल्स पर बांटा गया है, द स्ट्रक्चर हैज बीन क्लासिफाइड अप टू थ्री लेवल्स। ऑलराइट, थ्री लेवल्स। सबसे पहला है मैक्रो स्ट्रक्चर, सबसे पहला क्या है, मैक्रो स्ट्रक्चर। तो मैक्रो स्ट्रक्चर के लिए हमें अपनी नेकेड आई से ही हम स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्रैक्चर ऑन द सरफेस, किसी सरफेस पे अगर हमारा फ्रैक्चर है या फेलियर हुआ है या क्रैक आया है, वो मैक्रो स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन के अंडर में आएगा, और यहां पर आपको लेस देन 100x मैग्निफिकेशन से काम चल जाएगा, ठीक है। यहां पर लेस देन 100x मैग्निफिकेशन से काम चल जाएगा। और मैक्रो स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ओनली विजुअलाइज्ड, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स का ही विजुअलाइजेशन यहां पर हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसे नेकेड आई से भी देख सकते हैं, 100x से कम का मैग्निफिकेशन यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैक्रो स्ट्रक्चर। अगला आता है हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर। तो माइक्रो स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100x का मैग्निफिकेशन चाहिए होगा, ठीक है। वी विल बी रिक्वायरिंग अ मैग्निफिकेशन ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100x, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं ना, जूम करते हैं, जैसे हमारे निकॉन कैमरा में होता है 26x जूम, या कैनन के कैमरा में होता है 26x जूम, 50x जूम। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और माइक्रोस्ट्रक्चर मेनली जो है हमारा ये इंटरनल डिटेल्स बताएगा हमारे, ठीक है। ये क्या बताएगा हमें, ये हमारे मटेरियल की इंटरनल डिटेल्स बताएगा। दिस विल टेल अबाउट द इंटरनल डिटेल्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। इंटरनल डिटेलिंग हमें पता चलेगी, और ये 100x से ज्यादा मैग्निफिकेशन पर ही देखने से पता चलेगा, क्योंकि वर्ड आ रहा है माइक्रो, तो माइक्रो तो बहुत छोटा होता है ना, तो छोटे को हम लोग को ज्यादा मैग्निफाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। ऑलराइट, सो दिस इज नथिंग बट अ classification of the structure. We have macro, we have micro. Next है हमारा crystal, ठीक है। crystal structure की जब भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो crystal से अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। crystal होता क्या है actually, और इसके classification भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो engineering materials को actually दो parts में classify फिर किया गया है, एक होता है हमारे crystalline, एक होते हैं हमारे crystalline
फिर एक होता है हमारा एमोर्फस, ठीक है, एक होता है हमारा एमोर्फस। तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स होती हैं, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट जैसे हमारे एटम्स हो गए या आयन्स हो गए, ठीक है, या फिर हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ये थ्री डायमेंशनल में हमारे स्पेस में रेगुलरली अरेंज्ड होंगे, दे आर रेगुलरली अरेंज्ड। और एमोर्फस में क्या होगा, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूटिंग चाहे पार्टिकल्स हों, आयन्स हों, मॉलिक्यूल्स हों, ये हमारे इररेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, इनका जो अरेंजमेंट है ये हैपजर्ड होता है थ्री डायमेंशन में। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर में या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और एमोर्फस स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये होता है डिस्क्राइब्स द रेगुलरिटी एंड टाइप ऑफ एटॉमिक अरेंजमेंट विद इन अ क्रिस्टल। तो एक क्रिस्टल में जब हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स हैं, आयन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत रेगुलरिटी में अरेंज्ड होंगे थ्री डायमेंशनल स्पेस में, एक डेफिनेट पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर हम उन्हें अरेंज करेंगे तो बन जाता है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उसके अलावा दो और क्लासिफिकेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से मेनली हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे, जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी एटम में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एटम, मेनली यहाँ पर हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो ये हो गया। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज टू स्टडी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। बहुत सारी टेक्निक्स हैं हमारे पास, XRD हो गया, एक्सरे डिफ्रैक्शन, इससे हम किसी भी क्रिस्टल का साइज निकाल सकते हैं। फिर हमारा SEM हो गया, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो गया, इससे हम लोग क्या मेनली निकालते हैं, सरफेस मॉर्फोलॉजी, ठीक है, सरफेस कैसा है हमारा, सरफेस मॉर्फोलॉजी निकालते हैं। और यहाँ से हम लोग क्रिस्टलाइट साइज, सॉरी, यहाँ से हम लोग पार्टिकल साइज निकालेंगे, यहाँ से हम लोग पार्टिकल साइज डिटरमाइन करेंगे SEM से। एक होता है हमारा TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एक होता है हमारा TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग बहुत बहुत छोटे पार्टिकल्स का साइज यहाँ पर डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ये सब हमारी कैरेक्टराइजेशन की टेक्निक्स हैं जो हम लोग एमटेक लेवल पर यूज़ करते हैं। कोई भी मटेरियल हमने सिंथेसाइज अगर किया है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ना कुछ हमें ऑब्टेन होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले उसका कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। मान लीजिए मैंने लैब में कैल्शियम ऑक्साइड सिंथेसाइज किया, अब उसको सिंथेसाइज करने के बहुत सारे मेथड्स हैं मेरे पास, ठीक है, बहुत सारे रिएजेंट्स ले सकता हूँ, कॉम्बिनेशन अलग अलग है। तो जो भी हमने बनाया सबसे पहले देखेंगे क्या परसेंटेज प्योरिटी मिली। मान लीजिए आपने बनाया, आपकी सिर्फ परसेंटेज प्योरिटी है 10%, 20%, तो वो चीज़ हमारा सैंपल सही नहीं होता। मिनिमम से मिनिमम कम से कम 80 से 85%, 80 to 85% प्योरिटी जब तक हम लोग को नहीं मिलती हम लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि मान लीजिए मुझे स्ट्रक्चर चाहिए था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, या मान लीजिए हम कहें इसका स्ट्रक्चर हमें चाहिए था हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर चाहिए था, तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिला। तो इसको हम पता लगाएंगे अपने XRD, SEM और TEM की मदद से। सरफेस मॉर्फोलॉजी कैसी आ रही है, हमें चाहिए थी वायर जैसी सरफेस मॉर्फोलॉजी, वायर चाहिए था, लेकिन बन गया क्या, पार्टिकल्स बन गए। तो ये सब चीज़ें फिर क्या होगा, हम लोग इसको फिर से दोबारा से सिंथेसाइज करेंगे। और जब हमने दोबारा से सिंथेसाइज किया तो पहले हम लोगों ने मान लीजिए प्रेशर कितना लिया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, टेम्परेचर मैंने रखा था 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, सारे पैरामीटर धीरे धीरे चेंज करेंगे। तो मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड को बनाने के लिए मेरे दो रिएजेंट्स यूज हुए, ए और बी। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 10 ml ली थी, इसको भी मैंने लिया था 10 ml। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा घटाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसको बढ़ाएंगे, इसको घटाएंगे। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस हम लोग ट्राई करेंगे, वी विल ट्राई फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। और जब तक हमें डिजायर्ड फॉर्मेट में नहीं मिल जाएगा तब तक उसका सिंथेसिस करेंगे, उसका हीट ट्रीटमेंट यहाँ पर हम लोग करते रहेंगे। ऑलराइट, ये हो गया। देखिए न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में क्या है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इसमें आप लोग को नहीं घुसना है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एक टेक्निक होती है, NMR, ठीक है, तो इस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं। तो मेनली आपको याद रखना है मैक्रो स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर और क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा देखते हैं यहाँ पर माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में। तो माइक्रो स्ट्रक्चर ही सबसे ज़्यादा हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों, क्योंकि वो हम नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, उसको देखने के लिए हमें ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100x का जूम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप अपने 100x के जूम से देखोगे अपने मटेरियल को, तो वहां पर हमें क्या क्या दिखेगा, ग्रेन्स दिखेंगे,
ठीक है, ग्रेन्स की बाउंड्रीज दिखेंगी, ठीक है, फिर डिफरेंट डिफरेंट फेज बाउंड्रीज दिखेंगी, ठीक है, अलग अलग फेजेस की बाउंड्रीज भी आप कभी कभी देख सकते हो, ठीक है, ग्रेन का ओरिएंटेशन दिखेगा, ग्रेन्स हमारे किस तरीके से ओरिएंटेड हैं, ठीक है, ग्रेन्स ओरिएंटेशन दिखेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग को अपने माइक्रोस्ट्रक्चर में देखने को मिल सकती हैं। तो माइक्रोस्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, और यही मेन होता है, क्योंकि ये हम लोग अपनी नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं अपने मटेरियल का माइक्रोस्ट्रक्चर ही चेंज कर दूं, अगर मैं अपने मटेरियल का माइक्रोस्ट्रक्चर ही चेंज कर दूं, तो अल्टीमेटली मैं क्या कर सकता हूं, अपने ग्रेन की बाउंड्रीज को चेंज कर सकता हूं, शिफ्ट करा सकता हूं, ग्रेन के ओरिएंटेशन को मैं शिफ्ट करा सकता हूं, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं आपका जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज को आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम लोग उसे मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, तो ये एक हो गया बेसिक सा ओवरव्यू अबाउट दी डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर थोड़ा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारा मेनली दो पार्ट्स में क्लासिफिकेशन है, मैंने आपको बताया था, एक है क्रिस्टलाइन, ठीक है, एक है हमारा एमोरफस। तो मैंने आपको बताया क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स होंगे वो हमारे रेगुलरली अरेंज्ड होंगे, दे आर रेगुलरली अरेंज्ड इन अ थ्री डायमेंशनल पैटर्न, इन 3D पैटर्न, ठीक है, 3D पैटर्न एक ये फॉलो करेंगे और इनका रेगुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गए, अगर यहां पर कॉन्स्टिट्यूटिंग हमारे एटम्स हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, अटोमिक सॉलिड्स बन जाएंगे, क्या बन जाएगा, अटोमिक सॉलिड्स बन जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, मेटल्स हमारे क्या होते हैं, अटोमिक सॉलिड्स। और अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स क्या हो गए, आयन्स हो गए, तो क्या बन जाएगा हमारा, आयोनिक सॉलिड्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आयोनिक सॉलिड्स, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए यहां पर मेरे मॉलिक्यूल्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स मेरे मॉलिक्यूल्स हो गए, तो कैसा मटेरियल बनेगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड बन जाएगा, दिस विल बी मॉलिक्यूलर सॉलिड, और ये हो जाएगा मेरा तीन तरीके का क्लासिफिकेशन यहां पर भी। तो एटम से बना है तो एटॉमिक सॉलिड, आयन से बना है तो आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूल से बना है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो एमोरफस को हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन भी बोल सकते हैं, एमोरफस कैटेगरी इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन क्रिस्टलाइन, क्योंकि यहां पर हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो इररेगुलरली उनका अरेंजमेंट होगा, इररेगुलर अरेंजमेंट, ऑलराइट, दे विल हैव इररेगुलर अरेंजमेंट। तो यहां पर कोई भी आपको डेफिनेट ज्योमेट्री देखने को नहीं मिलेगी, यू विल नॉट फाइंड अ रेगुलर और अ डेफिनेट ज्योमेट्री इन सच टाइप ऑफ materials, all right, there will we have no definite geometry, ठीक है, यहाँ पर कोई भी आपको definite geometry देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। So कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि by applying heat, heat को apply करके हम लोग किसी non-crystalline material को crystalline form में change कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने heat लगा दिया और अपना प्रेशर अप्लाई कर दिया, इफ वी हैव अप्लाइड हीट एंड प्रेशर देन वी कैन कन्वर्ट नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इनटू क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे एग्जांपल करें सिरामिक्स की बात करें और पॉलीमर्स की बात करें, सिरामिक्स एंड पॉलीमर्स एक्चुअली ये हमारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं कभी कभी, और ये हमारे एमोरफस में भी करते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन में भी करेंगे और अमॉर्फस फॉर्म दोनों में ही ये हमारे एग्जिस्ट करते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया मेरा, सिरामिक्स एंड पॉलीमर्स कैन एग्जिस्ट बोथ एज क्रिस्टलाइन एज वेल एज अमॉर्फस सब्सटेंसेस, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन मटेरियल्स को भी हम लोगों ने 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, दे आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। ऑलराइट, कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम है डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, तो मैं थोड़ा मिटार दे रहा हूँ, पहले आप लोग नोट कर लीजिए, I am giving you some time to note down, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत बेटर होगा और आपका भी काम हल्का होता रहेगा, मेरा भी काम हल्का हो जाएगा। और आई होप कि आप लोगों को क्लासेस पसंद आ ही रही होंगी, मतलब मुझे पूरी उम्मीद है, मैं बहुत शिद्दत से बनाता हूँ लेक्चर्स जो भी हमारे होते हैं, जल्दबाजी किसी में नहीं करते, कोशिश करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम एरर्स रहें, चीज़ों में एरर ना आए, ठीक है। तो आप लोग रिस्पांस भी अच्छा देते रहिए और हम लोग इसी तरीके से पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।
और कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, ये मेरी तरफ से गारंटी है। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा मैं, और बहुत ही मतलब फ्री ही समझ लीजिए आप लोग। सिर्फ टेस्ट सीरीज़ में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी उसमें इन्वेस्टमेंट किया है टेस्ट सीरीज़ में, और बहुत अच्छी कोशिश कर रहा हूँ मैं टेस्ट सीरीज़ के लिए। तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ जो है वो ज़रूर ऑप्ट करिएगा हमारे साइड से। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मैंने आपको बताया अपने क्रिस्टल सिस्टम्स, जो हमारे क्रिस्टल हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स को सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स में हमने बांटा है, ठीक है। सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स में हम लोगों ने बांटा है। सबसे पहला होता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। सबसे पहला क्या होता है? क्यूबिक। देखिए, क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो क्रिस्टल में हमारे कुछ लैटिस पैरामीटर्स होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए क्यूब है, ठीक है, ये एक्चुअली मेरे यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल क्या बोला है? यूनिट सेल हमारी स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ एटम्स होती है, जिसको अगर हम लोग तीनों डायरेक्शन में क्या कर दे, रिपीट करा दें, तो ये क्या बना देगा? हमारा एक क्रिस्टल लैटिस बना देगा, ठीक है। इट विल फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस। तो मान लीजिए ये मेरा एक क्यूबिक है, ठीक है। ये मान लीजिए मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये मेरी जेड एक्सिस हो गई। तो एक्स वाई और जेड एक्सिस हो गई मेरा ये। तो यहाँ पर जो हमारी जो साइड्स की लेंथ होगी, मतलब क्यूब की ये लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, इसको बोल देते हैं ए, ये होता है बी, ये होता है मेरा सी। ये क्या है? मेरे लैटिस पैरामीटर्स। इन्हें हम लोग कहते हैं लैटिस पैरामीटर्स। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत तेजी से नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वालिटी मेंटेन करनी है। हमें कोई भी सिलेबस कंप्लीट करने की बहुत जल्दी नहीं है, वो हम लोग अपना एक लेवल पे कंप्लीट कर ही लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, तो लैटिस पैरामीटर्स हो गए ए बी सी। अच्छा, एक होता है लैटिस एंगल्स, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है अल्फा, ये वाला एंगल है बीटा, ये वाला एंगल है गामा। या कुछ बुक्स में ये इसको गामा ले लेते, इसको बीटा ले लेते, कोई डिफरेंट कोई बात नहीं है, वो सब सही है अपनी जगह, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूबिक क्रिस्टल ज्योमेट्री की, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्यूबिक क्रिस्टल ज्योमेट्री की, तो क्यूबिक के केस में क्या हो जाएगा? हमारे जो लैटिस पैरामीटर्स होते हैं ए बराबर बी बराबर सी, तीनों लैटिस पैरामीटर्स बराबर हो जाएंगे। अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर जाएंगे कितने के? 90 डिग्री, ठीक है। फिर आता है हमारा टेट्रागोनल, फिर आता है हमारा टेट्रागोनल, टेट्रागोनल क्यूबिक मतलब टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसमें ए इज इक्वल्स टू बी लेकिन नॉट इक्वल्स टू सी, मतलब दो साइड्स तो आपस में बराबर होंगे, तीसरा नहीं बराबर होगा। अल्फा बीटा गामा ऑल आर 90 डिग्री, तीनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है मेरा रोम्बोहीड्रल, फिर आता है मेरा रोम्बोहीड्रल। रोम्बोहीड्रल में ए बी सी तीनों बराबर हो जाएंगे, ए बराबर बी बराबर सी, लेकिन अल्फा नॉट इक्वल्स टू सॉरी अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा बट नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री नहीं होंगे हमारे, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं 90 डिग्री के अलावा। फिर क्या होता है हमारा? आता है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा? ए बराबर बी नॉट बराबर सी, ठीक है। फिर क्या होगा? अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री लेकिन गामा बराबर 120 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। ऑलराइट, ये हो गया। फिर हेक्सागोनल के बाद आपको बताया, यहाँ आएगा नेक्स्ट मेरा ट्राई क्लिनिक, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा ट्राई क्लिनिक। तो देखिए इसको याद करने के भी तरीके हैं बहुत सिंपल। सबसे देखिए अल वाले कितने, अल मतलब जिनके लास्ट में अल आ रहा है, तो टेट्रागोनल रोम्बोहीड्रल हेक्सागोनल, तो तीन हो गए अल वाले, ठीक है। अब होंगे इक वाले, इक वाले कितने? देखिए एक तो क्यूबिक हो गया, एक ट्राई क्लिनिक होता है, फिर एक मोनोक्लिनिक होता है, ठीक है, फिर एक होता है ऑर्थोरॉम्बिक, ठीक है, ऑर्थोरॉम्बिक। तो सबसे पहले देखिए ट्राई क्लिनिक के लिए, ट्राई क्लिनिक में आपका क्या होगा? ए नॉट बराबर बी नॉट बराबर सी, अल्फा नॉट बराबर बीटा नॉट बराबर गामा नॉट बराबर 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कुछ याद रखे ना रखे, लेकिन ट्राई क्लिनिक जरूर याद रखिएगा। इसमें अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 डिग्री के बराबर नहीं होते और आपस में भी बराबर नहीं होंगे, और लैटिस पैरामीटर्स क्या होंगे? आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। फिर आता है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में क्या होगा? अल्फा सॉरी ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा
इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री बट नॉट इक्वल्स टू बीटा। ये हो गया मेरा मोनोक्लिनिक के लिए। ठीक है, लास्ट आता है देखिए ऑर्थोरॉम्बिक। ऑर्थोरॉम्बिक में क्या होगा, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी बट अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तो कितने एक वाले आए, क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और ऑर्थोरॉम्बिक। तो चार एक हो गए, तीन अल हो गए, तो टोटल कितने हो गए, सात। तो आप बता सकते हैं टेट्रागोनल, रोम्बोहीड्रल, हेक्सागोनल, लास्ट में क्या आ रहा है स्पेलिंग में, अल। और एक वाले क्या है, क्यूबिक, ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये हो गए मेरे एक। तो इस तरीके से आप यहां पर याद रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया मेरा एक बहुत बेसिक सा ओवरव्यू। अब हम लोग आते हैं मेन अपना टॉपिक जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पर। तो मेटल्स की अगर हम लोग बात करें तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो हैं, आप तो मेटल्स के बारे से फेमिलियर होंगे कि मेटल्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो मेटल्स में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो आपके फ्री होते हैं टू मूव, ठीक है, फ्री टू मूव होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके बाउंड होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो भी हमारे हीट का कंडक्शन होगा या फिर हमारे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, ये मेनली होता है हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, दिस विल हैपन मेनली बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और आपके जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज होंगी, दे आर हार्ड, ठीक है, नॉर्मली ये हार्ड भी होते हैं, ब्रिटल भी हो सकते हैं, ठीक है, डक्टाइल भी होते हैं, मलिएबल भी होंगे, सब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मलिएबल भी हो सकते हैं, इनके सारे ये फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो मेन बात ये है कि जो भी हमारा मेटल है या जो भी हमारा मटेरियल है वो किस तरीके से हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, हाउ इट विल रिस्पॉन्ड, हाउ इट विल रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिम्युलाई। ठीक है, ये एक्सटर्नल स्टिम्युलाई के लिए कैसे रिस्पॉन्स देगा, यही आपका बताएगा कि उसकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली या अप्रॉक्सीमेटली क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो मटेरियल का बिहेवियर काफी हद तक हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज की मदद से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं यहां पर। ऑलराइट, तो देखिए अब बात करें कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की जो बहुत कॉमनली हम लोग को यहां पर पढ़नी है। सबसे पहली बात आती है स्ट्रेस स्ट्रेन की। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन में हम लोग पढ़ेंगे टेंशन के बारे में, कंप्रेशन के बारे में, शियर के बारे में, टॉर्शन के बारे में। तो सबसे पहली यहां बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो बहुत धीरे क्यों चल रहा हूं मैं, एक्चुअली धीरे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत है और सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। इसके भी लाइक इस चैप्टर के लगभग 3 से 4 मॉड्यूल्स हम लोग लगाएंगे। ठीक है, एक एक घंटे के लगभग रहेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करें, देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपकी कोई बॉडी है। अब ये बॉडी भी दो प्रकार से क्लासिफाई की जा सकती है, एक होती है डिफॉर्मेबल बॉडी, क्या हो सकती है, डिफॉर्मेबल बॉडी, एक होती है आपकी रिजिड बॉडी, क्या होती है, रिजिड बॉडी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी रिजिड बॉडी क्या होती है। मान लीजिए कोई बॉडी है, किसी भी दो पार्टिकल्स इसके अंदर, दो पॉइंट्स मैंने कंसिडर कर लीजिए, मान लीजिए एक पॉइंट है ए एक पॉइंट है पी। ठीक है, इन दोनों जब मान लीजिए मैंने इस बॉडी पर फोर्स लगाया, इस बॉडी पर मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद मान लीजिए मेरी बॉडी इस तरीके से रही, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कितना था, आर था, और फोर्स लगाने के बाद मेरा ये डिस्टेंस क्या हो गया, मान लीजिए हो गया आर प्राइम, हो गया कुछ भी है लेकिन आर के बराबर नहीं है। यहां पर जो आर प्राइम है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू आर। तो मतलब यहां पर फोर्स लगाने में बॉडी के डायमेंशन में क्या आया है, यहां पर चेंज आया है। डायमेंशन मतलब शेप में भी चेंज आ सकता है और हमारे साइज में भी चेंज आ सकता है। देयर इज अ चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। तो जब भी फोर्स लगाया जा रहा है, बॉडी ये फोर्स जो है झेल नहीं पा रही है, इस लोड को झेल नहीं पाई, और उसके इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में, उसके इंटरनल पार्टिकल अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ क्या आ गया, डिफॉर्मिटी आ गई, चेंज आ गई।
तो ऐसी बॉडी जो कि अपने ऊपर लग रहे फोर्सेस को नहीं झेल सकती, इट इज नॉट एबल टू विदहोल्ड और विदस्टैंड दीज फोर्सेस, सच टाइप्स ऑफ बॉडीज आर कॉल्ड एज डिफॉर्मेबल बॉडी। एंड डिफॉर्मेशन सिंपली मीन्स, डिफॉर्मेशन का सिंपल से मतलब होता है चेंज इन द शेप और चेंज इन द साइज या बोथ, ठीक है। तो ये हो गई मेरी डिफॉर्मेबल बॉडी। अब बात करते हैं रिजिड बॉडी क्या होती है। तो रिजिड बॉडी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो रिजिड बॉडी हमारी एक ऐसी बॉडी है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, दो पॉइंट्स हैं ए और बी, मैंने इस बॉडी पर क्या लगाया, लोड लगाया। मैं क्या शब्द यूज कर रहा हूँ, लोड, ठीक है। लोड बहुत एक इंजीनियरिंग टर्म है, फोर्स बहुत एक कॉमन टर्म हो जाएगा। तो लोड मतलब वो एक्सटर्नल फोर्स जिसे आपको ओवरकम करना है, एक्सटर्नल फोर्स विच हैज टू बी या विच नीड्स टू बी ओवरकम, ठीक है, उसको ओवरकम करना है हमें। तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा लोड, इसको हम लोग बोल देते हैं लोड। अब लोड लगाने के बाद हमारी जो बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरीके से है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहा, r, इनिशियली भी क्या था r। तो ऐसी बॉडी क्या कहलाएगी, फोर्स लगाने या लोड लगाने के बाद भी उसके इंटरनल पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ऐसी बॉडी हमारी कहलाती है रिजिड बॉडी। सच टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज ए रिजिड बॉडी, ऑलराइट, सच टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी, ऑलराइट। तो ये हो गया। तो रिजिड बॉडी में क्या होगा, रिजिड बॉडी एक्चुअली जब भी आप लोड लगाओगे, ठीक है, जब भी आप लोड लगाओगे तो ये बॉडी अपने ऊपर लग रहे लोड को क्या करना करेगी, ये रेजिस्ट करने लगेगी, क्या करने लगेगी, रेजिस्ट करेगी इस लोड को जो एक्सटर्नली आप अप्लाई कर रहे हो, रेजिस्ट एक्सटर्नली अप्लाइड लोड, ठीक है, रेजिस्ट द एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। और ये क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी तो रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगी, क्या लगाएगी, एक रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगी। तो यही रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा, इसी को हम लोग क्या कह देंगे, स्ट्रेस। हिंदी में शायद इसको शायद प्रतिबल कहते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ हिंदी की टर्मिनोलॉजीज के लिए। बहुत लोग कहते हैं सर आप हिंदी में नहीं पढ़ाते, तो भाइयों मेरे मैं हिंदी में टर्मिनोलॉजीज नहीं बोल पाता हूँ, ठीक है, इंग्लिश में ही टर्मिनोलॉजीज मुझे आती हैं, हिंदी का मुझे नहीं पता रहता, तो उसके लिए मुझे आप माफ़ करें। हालांकि मैं कंटेंट में कहीं कमी नहीं दूंगा आपको, कंटेंट आपको पूरा बहुत वर्ल्ड क्लास मिलेगा, एकदम कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ से आप पढ़ लोगे, प्रॉब्लम्स भी लगवा रहा हूँ, फॉलो करते चलो, बस मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करते चलो और बढ़िया मटेरियल मिलेगा। तो यही जो हमारा रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, इसी को हम लोग बोल देते हैं स्ट्रेस। क्या बोल देते हैं, स्ट्रेस। अब बात आती है कि स्ट्रेस जो है हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है या क्या है। तो अगर हम बात करें स्ट्रेस की, तो ये है एक्चुअली लोड अपॉन एरिया। तो एक तरीके से कहते हैं ये फोर्स अपॉन एरिया है, भाई लोड भी तो एक तरीके का फोर्स है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू प्रेशर। ये प्रेशर से काफ़ी सिमिलर है हमारा, ठीक है, लेकिन प्रेशर हमारा कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन को अलग से स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारा स्ट्रेस क्या है, ये हमारे सेकेंड ऑर्डर टेंसर होते हैं, ठीक है, ये हमारी टेंसर क्वांटिटीज होती हैं। टेंसर क्वांटिटीज एक्चुअली क्या है, एक होती है आपकी स्केलर, एक होती है आपकी वेक्टर, एक होती है आपकी टेंसर, ठीक है। जैसे बात करें इलेक्ट्रिकल करंट, ये भी आपका क्या है, ये आपकी टेंसर क्वांटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखें। ये कुछ लोग कहते हैं स्केलर है, कुछ लोग वेक्टर है, लेकिन एक्चुअली होती क्या है, टेंसर क्वांटिटी होती है, दिस इज अ टेंसर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ स्केलर और इट इज अ नाइदर अ वेक्टर। तो सेकेंड ऑर्डर टेंसर मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट हमें होगी स्ट्रेस को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रेस हमारी क्या है, टेंसर क्वांटिटी हो गई, याद रखें सबसे पहले हमारी क्या हो गई, टेंसर क्वांटिटी, ऑलराइट, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, इट इज नाइदर अ स्केलर नॉर इट इज अ वेक्टर, ऑलराइट, ये हो गया। अब यहां से स्ट्रेस को क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन कैसे है, एक होती है हमारी नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर या कहें 90 डिग्री, लेकिन नॉर्मल शब्द हमारा मेनली थ्री डायमेंशनल के लिए यूज किया जाएगा
और जो हमारा परपेंडिकुलर वर्ड है, परपेंडिकुलर वर्ड इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द टू डायमेंशनल। तो नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब होता है जब हमारी स्ट्रेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डेवलप होती है। ठीक है, व्हेन इट इज डेवलप्ड परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट विल बी कॉल्ड एज द नॉर्मल स्ट्रेस। अब बात आती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए मेरी एक सर्कुलर बार है, आई हैव अ सर्कुलर बार। ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर बार है, सिलेंड्रिकल इसका शेप है। तो अगर मैं यहां से देखूं, ठीक है, इस साइड से अगर मैं देखूं अपने मटेरियल को, ठीक है, इफ आई लुक एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ माय मटेरियल, ये मुझे कैसा दिखेगा, ये सर्कुलर दिखेगा। ठीक है, इट विल बी अ सर्कुलर, सेंटर ये हो गया। तो अगर ये हमारे, देखिए दो होता है ना, एक हम लोग डॉट बनाते थे, एक क्रॉस बनाते थे। तो डॉट का मतलब क्या है, चीजें बाहर आ रही होती हैं प्लेन ऑफ पेपर से, और क्रॉस का मतलब अंदर जा रही होती है। यहां पर मैंने क्या बनाया, डॉट। तो डॉट बनाया मतलब यहां से मेरा ऐसे फोर्स बाहर लगा रहा हूं। मान लीजिए मैंने इस तरीके से फोर्स लगाया है, तो क्योंकि फोर्स मैं लगा रहा हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा एक्सटेंशन। और स्ट्रेसेस कैसे एक्ट करेंगी, मेरी सरफेस के परपेंडिकुलर अगर एक्ट कर रही है, दे आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। या इसको मैं अगर इसका फ्रंट व्यू देखूं, अगर इसमें फ्रंट व्यू बनाऊं, ये तो मेरा साइड व्यू हो गया। ठीक है, दिस इज माय साइड व्यू। अगर मैं फ्रंट व्यू बनाऊं तो मुझे क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू मेरा ये हो गया, सीधे सीधे शाफ्ट मेरी ये हो गई। तो इस तरीके से फोर्स लगाया मैंने, मान लीजिए पी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, कैसा हो गया, लोड मेरा क्या हो गया, लोड का भी क्लासिफिकेशन किया गया। ये मेरा नॉर्मल लोड है, ये मेरा क्या लोड है, नॉर्मल लोड। मतलब वो कैसे एक्ट कर रहा है, सरफेस एरिया या क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बना देते हैं इसका ऐसे। ठीक है, ये मेरा लग रहा है परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एक्ट कर रहा है। अलग तो ये लोड क्या हो गया, मेरा नॉर्मल लोड हो गया। अब वो जो स्ट्रेस हमारी सर्फेस के परपेंडिकुलर डेवलप होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज द नॉर्मल स्ट्रेस, दैट विल बी कॉल्ड एज द नॉर्मल स्ट्रेस। और वो स्ट्रेस जो हमारे सरफेस के पैरेलल एक्ट करेगी, ठीक है, जैसे हमारा एक बेंडिंग मोमेंट होता है। अभी हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में मैं लगभग आप लोग को 10 से 12 घंटा, मतलब 10 लेक्चर्स हम लोग मेनली बेसिक लेक्चर्स कवर करेंगे, पूरे सोम का बेसिक्स पढ़ेंगे। जैसे मैंने गेट में पढ़ाया वैसे ही आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक्स पर आएंगे। तो सोम हम लोग को काफी अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, तो आपके गेट में भी हेल्प हो जाएगी और आपके इंजीनियरिंग सर्विस में भी उससे हेल्प हो जाएगी, एसएससी जेई के लिए भी हो जाएगा, मोर देन इनफ होगा। ऑलराइट, तो अगर हमारी स्ट्रेस हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डेवलप हो रही है तो वो जाती है मेरी नॉर्मल स्ट्रेस। और अगर स्ट्रेस हमारी डेवलप होती है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज द शियर स्ट्रेस। ये कैसे होती है हमारी शियर स्ट्रेस। तो शियर का मतलब क्या होता है, एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। और हमारा नॉर्मल का मतलब क्या होता है, इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। ये हो गया, ठीक है। तो ये एक मेरा क्या है, एक तो मेरा हो गया स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन नॉर्मल स्ट्रेस, और एक मेरा क्या हो गया शियर स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, ये दोनों टाइप्स के इंपॉर्टेंट स्ट्रेसेस हो गए। तो यहां हम लोग ने डिस्कस कर लिया स्ट्रेस के बारे में, और लोड के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लोड क्या है, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया, ये आपका एक्सटर्नल या कहें एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स होता है, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है जिसे हमें ओवरकम करना है, विच नीड्स टू बी ओवरकम। ठीक है, इसे हम लोग को ओवरकम करना होता है, और इसको ओवरकम करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, द फोर्स विच इज अप्लाइड टू ओवरकम द लोड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफर्ट बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एफर्ट। और यही लोड अपॉन एफर्ट का जो रेशियो होता है क्या होता है, ये होता है मेरा मैकेनिकल एडवांटेज, ये होता है मेरा मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो जो हमें ओवरकम करना है वो हो गया लोड, जिसकी मदद से हम ओवरकम करेंगे वो होता है एफर्ट। ठीक है, तो लोड भी हमारे कई टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेरा टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये मेरा कोई मटेरियल है, ये मेरा कोई मेंबर है, मैं इस तरीके से इसमें लोड लगा रहा हूं, मान लीजिए पी। ठीक है, इस तरीके से लोड लगा रहा हूं पी। अब जब हम इस पे लोड लगाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारे एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमारे मटेरियल में क्या होगा, डायमेंशंस में चेंज आएगा। पहली बात तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, इसकी लेंथ यहां पर बढ़ रही है, लेंथ बढ़ेगी, लेकिन इसका जो
ये होगा, थिकनेस होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसा लोड जिसकी वजह से हमारे मटेरियल की लेंथ में एक्सटेंशन आएगा, मटेरियल की लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा, सच टाइप ऑफ लोड इज कॉल्ड एज द टेंसाइल लोड। सच टाइप ऑफ लोड इज कॉल्ड एज द टेंसाइल लोड। और ऐसा, अब एक होता है टेंसाइल लोड, एक होता है हमारा कॉम्प्रेसिव लोड, एक होता है मेरा कंप्रेसिव लोड, एक होता है मेरा कंप्रेसिव लोड। ऑलराइट, तो कंप्रेसिव लोड मतलब, अब मान लीजिए, तो ये आप लोग डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, मैं आप लोग को टाइम देता रहूंगा बीच बीच में, आप भी लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। और आई होप कि वीडियो सही आ रहा है, तो एक बार फिर से थम्स अप का साइन बना के बता दीजिए, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऑलराइट, चलिए ठीक है। अब कंप्रेसिव लोड की बात करें, देखिए वैसे इतना बेसिक्स तो सबको पता होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं हमें एकदम बेसिक से पढ़ाइए। अब मान लीजिए कोई भी मेरा मटेरियल है, उस मटेरियल पे मैंने कुछ इस तरीके से लोड लगा दिया, उस मटेरियल पे मैंने कुछ इस तरीके से लोड लगा दिया, तो जो मेरा मटेरियल है अब क्या होगा इसमें, अब फिर इसके कुछ डायमेंशन में चेंज आएगा, लेकिन कब चेंज आएगा, जब मैं मान के चल रहा हूँ ये मेरा कैसा मटेरियल है, डिफॉर्मेबल मटेरियल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ कम हो जाएगी लेकिन दूसरा डायमेंशन इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो लेंथ में क्या हो गया, डिक्रीमेंट आ गया, और थिकनेस क्या हो गई इसकी, या एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर एक डायमेंशन घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। इस टाइप का लोड जिसकी वजह से लेंथ में डिक्रीमेंट आ रहा है, थिकनेस में इंक्रीमेंट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेसिव लोड, ठीक है, कॉम्प्रेसिव लोड। तो ये तो लोड था हमारे, इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी टू कॉज चेंज इन द डायमेंशन। एक होता है डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे भी हम लोग अपने लोड को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारा एक होता है नॉर्मल लोड, एक होता है मेरा नॉर्मल लोड, तो नॉर्मल कैसे होगा, the load which is acting perpendicular to the cross section will be called as the normal load. तो इस तरीके का मान लीजिए load है, ये बाहर निकल रहा है, तो मैं क्या बना दूंगा, ये, ठीक है, ये बाहर निकल रहा है, load P, P लगा रहा हूँ, ये बाहर आ रहा है, ये हो गया मेरा normal load. It is acting perpendicular to the cross section. It is acting perpendicular to the cross sectional area. Cross sectional area. अगला आता है shear load. शीयर लोड, शीयर लोड कैसा होता है, द लोड विच इज एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या होता है मेरा शीयर लोड, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मेरा सरफेस है, तो इस तरीके से लग रहा होगा ऊपर, ठीक है, इस ये होता है मेरा शीयर लोड। ऑलराइट, ये हो गया मेरा। अब बात आती है यहां पर स्ट्रेन की, बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर। अभी हालांकि मैंने स्ट्रेस पूरा आप लोग को बहुत अच्छे से नहीं समझाया, क्योंकि यहाँ पर ही मटेरियल साइंस है, तो इसमें हम लोग मेनली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग को अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़नी ही पढ़नी है। ऑलराइट, वी विल बी स्टडिंग अबाउट दीज थिंग्स इन दी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। नाउ अब बात आती है हमारे स्ट्रेन की, ठीक है, अब बात आती है हमारे स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन की जब भी बात करते हैं, देखिए किसी भी बॉडी पर, मान लीजिए ये बॉडी है, हमने इस पर एक लोड लगाया था P, ठीक है, यहाँ पर हमने एक लोड लगाया था P, तो लोड लगाने से इसका डायमेंशन क्या हो गया था, चेंज हो गया था, लोड लगाने से इसका डायमेंशन क्या हो गया था, चेंज हो गया था। हम मान लेते हैं कि इस बॉडी की इनिशियल लेंथ जो थी वो क्या थी, L, इनिशियल लेंथ क्या थी मेरी, L, फाइनल लेंथ क्या हो गई, मान लीजिए हो गई डेल्टा L, ऑब्वियस सी बात है हमारी यहाँ पर जो डेल्टा एल है इट इज ग्रेटर देन एल, डेल्टा एल क्या है मेरी, ग्रेटर देन एल है। तो यही जो मेरा स्ट्रेन कैसे डिफाइन किया गया, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। तो चेंज इन डायमेंशन कितना आया, डेल्टा एल, ओरिजिनल डायमेंशन कितना था एल, तो ये क्या हो गया मेरी स्ट्रेन। अब स्ट्रेन सबसे पहली बात तो है इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती क्योंकि सेम टाइप की क्वांटिटीज का रेशियो हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए, ये मैंने बताया आपको स्ट्रेन इन
एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन। अब भाई एक्स डायरेक्शन में हमें दिख तो रहा है लेंथ इंक्रीज हुई, लेकिन वाई डायरेक्शन की बात करें तो यहां पर जो हमारी ब्रेथ है वो डिक्रीज हुई है, ठीक है, ब्रेथ हमारी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ये वाली डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन। तो यहां पर हम लोग एक्सिस को भी देख के चलते हैं, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है। तो डेफिनेट सी बात है हमारी वाई और जेड एक्सिस के अलोंग जो भी डायमेंशन है वो भी हमारे कुछ ना कुछ चेंज हुए होंगे। तो मान लीजिए इनिशियल ब्रेथ थी मेरी बी, फाइनल ब्रेथ हो गई डेल्टा बी। तो हम लोग अपना जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन है ये क्या कहेंगे, स्ट्रेन अलोंग द एक्स डायरेक्शन। अब क्या मान लीजिए मैं कह रहा हूं स्ट्रेन अलोंग द वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन अलोंग द वाई डायरेक्शन, तो ये कैसे बोल दूंगा मैं, दिस इज डेल्टा बी अपॉन बी, मतलब चेंज इन द डायमेंशन अलोंग वाई डायरेक्शन अपॉन द चेंज, सॉरी अपॉन द ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन अलोंग द वाई एक्सिस। तो ये हो गया। अब सिमिलरली अगर जेड एक्सिस के बारे में बाद में बोले, थिकनेस के बारे में बात करें, तो डेल्टा टी अपॉन टी ये क्या हो जाएगा मेरा, स्ट्रेन इन जेड एक्सिस, ये हो जाएगा मेरा स्ट्रेन इन जेड एक्सिस। तो स्ट्रेन को एक्चुअली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं मिटा देता हूं। स्ट्रेन को मेनली हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन को या सॉरी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया। तो स्ट्रेन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से, स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। एप्सिलॉन एक्स मतलब स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन द वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन द जेड डायरेक्शन, स्ट्रेस इन द एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेस इन द वाई डायरेक्शन, स्ट्रेस इन द जेड डायरेक्शन। एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स अलोंग द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो अगर मेरा एप्सिलॉन एक्स पॉजिटिव है, मतलब ये मेरा क्या होगा, टेंसाइल होगा, टेंसाइल लोडिंग की वजह से एक्स डायरेक्शन में मेरा इंक्रीमेंट होगा, तो मैं क्या कह दूंगा, एप्सिलॉन वाई मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या आएगा, कॉम्प्रेसिव एक्शन आने लगेगा अलोंग दी वाई डायरेक्शन, और यहाँ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर एक डायरेक्शन में डायमेंशन इंक्रीज हो रहा है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायमेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा एक बहुत बहुत बेसिक सा ओवरव्यू अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, टेंशन की बात करें, तो टेंशन की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी किसी मटेरियल में इस तरीके से लोडिंग लगाई जाए, इस तरीके से लोड लगाया जा रहा है कि उसका डायमेंशन क्या हो रहा है, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आ रहा है, ब्रेथ में डिक्रीमेंट आ रहा है। तो लेंथ में इंक्रीमेंट आया, ब्रेथ में डिक्रीमेंट आया, उस टाइप के फोर्स को हम क्या कहेंगे, टेंसाइल फोर्स। और कंडीशन क्या कह देंगे, हम ये कह देंगे द मटीरियल इज अंडर टेंशन, द मटीरियल इज अंडर टेंशन। एक्चुअली होगा क्या, जो मटीरियल के फाइबर्स होंगे, ये बहुत सारे फाइबर्स से बना होगा, तो इसके फाइबर्स में क्या होगी, स्ट्रेचिंग होगी, क्या होगी फाइबर्स में, स्ट्रेचिंग। अब मेन बात यहाँ पर है कि हमारे फाइबर्स जो लोड झेल सकेंगे उसका भी एक हमारा डेफिनेट लिमिट होगा, ठीक है, उसका भी हमारा एक डेफिनेट लिमिट होगा, उस लिमिट से ज़्यादा हमारा फाइबर्स लोड नहीं झेल पाएंगे। तो मान लीजिए वो सेफ लिमिट है मेरी पी सेफ, सेफ लिमिट है मेरी पी सेफ। तो अगर हमारा पी ग्रेटर देन पी सेफ हो गया तो क्या हो जाएगा, मेरे फाइबर्स विल नॉट बी एबल, फाइबर्स विल नॉट बी एबल टू विथस्टैंड, फाइबर्स विल नॉट बी एबल टू विथस्टैंड द लोड एंड इवेंचुअली क्या हो जाएगा, हमारे फाइबर्स विल फेल, फाइबर्स विल ब्रेक, ब्रेक हो जाएंगे, मतलब मटेरियल में हमारे क्रैक्स आने लगेगा, मटेरियल हमारे फेलियर दिख जाएगा। तो कभी भी जब भी हम लोग लोड लगाएं, हमेशा हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो लोड हम लगा रहे हैं ये सेफ जोन के फोर्स से हमेशा लेस होना चाहिए, ठीक है, पी शुड ऑलवेज बी लेस देन द पी सेफ, या बहुत वर्स्ट कंडीशन में बराबर भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो सिर्फ तभी तक हमारा मटेरियल फेल नहीं करेगा और उसके बाद फिर हमारा मटेरियल क्या करने लगेगा, फेल कर जाएगा,
फेल करने से मतलब ये है, देखिए फेल करने से मटेरियल का क्या मतलब होता है, व्हाट डू वी मीन बाय फेलियर ऑफ अ मटेरियल। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे फेलियर ऑफ अ मटेरियल, एक मटेरियल के फेल होने से क्या मतलब है। फेल होने से मतलब क्या है, इट विल ब्रेक, वो टूट जाएगा, ब्रेक कंप्लीटली और पार्शियली, ठीक है, ब्रेक कंप्लीटली और पार्शियली, या तो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा या तो पार्शियली ब्रेक हो जाएगा। दूसरा होता है क्रैक, उसमें हो जाएंगे क्रैक्स ऑन सरफेसेस, ठीक है, सरफेसेस पे क्रैक्स आ सकते हैं। और एक और तरीके से कहा है, इट सीजेस टू फंक्शन नॉर्मली, सीजेस टू फंक्शन नॉर्मली, तो नॉर्मल जो उसका फंक्शन था उस तरीके से वो फंक्शन नहीं कर रहा, सीजेस टू फंक्शन नॉर्मली। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा, ये सब मटेरियल के फेलियर के कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे कि हमारा मटेरियल जो है वो फेल कर गया है, अब वो हमारे किसी भी पर्पस का नहीं रहा। और अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली द मटीरियल हैज टू बी चेंज, द मटीरियल हैज टू बी रिपेयर्ड, अगर रिपेयर हो सकता है तो रिपेयर करें, एल्स चेंज, एल्स उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, एल्स उसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, या तो उसको अगर रिपेयर फॉर्मेट मतलब रिपेयरेबल फॉर्म में तो रिपेयर भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा मेनली टेंशन के बारे में। कंप्रेशन जो है टेंशन का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, कंप्रेशन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ टेंशन। तो यहाँ पर मेनली क्या होगा, लेंथ में डिक्रीमेंट होगा और बाकी डायमेंशन में इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे मान ले ये है मेरा मटेरियल, ठीक है, दिस इज माय मटेरियल, और यहां पर हम लगा रहे हैं अपने टेंसाइल लोड, ठीक है, यहां पर लगा रहे हैं हम लोग अपना, ऑलराइट। तो देखिए हमारे कंप्रेशन में मैंने आपको बताया कि अगर एक डायमेंशन हमारा डिक्रीज हो रहा है, जैसे यहां पर हमारी जो ब्रेथ है इसकी, ये क्या हो जाएगी, सॉरी लेंथ हमारी डिक्रीज हो जाएगी, ब्रेथ इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये देखना है कि अगर एक्स डायरेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो वाई डायरेक्शन वाला डायमेंशन डिक्रीज हो जाएगा, या वाई डायरेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो एक्स डायमेंशन वाला डिक्रीज हो जाएगा, मेन यही चीज होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेंशन, ये हो गया हमारा कंप्रेशन। देखिए शियर जब भी होता है, शियरिंग की बात होती है, शियरिंग की जब भी बात होगी, हमेशा हमारे लोड कैसा लगाया जाएगा, यहाँ पर लोड इज ऑलवेज एक्टिंग, लोड इज ऑलवेज एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल लगाया जाएगा। तो उसको कहते हैं शियरिंग हो रही है, शियर लोड हो रहा है, इट इज ट्राइंग टू शियर ऑफ द सेक्शन, इट इज ट्राइंग टू शियर ऑफ द सेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा बात आती है कि सबसे पहले अगर हम अपने मटेरियल में लोड लगाएंगे तो पहले स्ट्रेस आएगा या स्ट्रेन आएगा, ठीक है। तो इस चीज का कमेंट आप मुझे करके बताएं कि पहले क्या चीज डेवलप होगी, स्ट्रेस डेवलप होगी या स्ट्रेन डेवलप होगा, ठीक है, ये आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहां पर बात कर रहे हैं मेनली, ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेस आएगा कि सबसे पहले स्ट्रेन आएगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में देखिए हम लोग पढ़ेंगे इन सब चीजों को, ठीक है, बहुत डीप डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, वहाँ बहुत कायदे से सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोग डील करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस लेसन में इतना ही रखते हैं, ठीक है, लगभग एक घंटे का लेसन हम लोग यहाँ पर ही कंप्लीट कर चुके हैं, और आगे हम लोग बाकी जितने टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे पढ़ेंगे और सबको बहुत डेप्थ में कवर करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को लेसन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मैं इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहा हूँ 300 लाइक्स का, और आपके लिए 300 लाइक्स कंप्लीट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगले लेसन हमारा आएगा वो भी एक घंटे का लेसन होगा, और इसी तरीके से हम लोग अपने लेसन में अपने पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।